हिंदू धर्म में अनेक त्योहारों में से एक है नवरात्रि का पर्व, जिसमें पूरे 9 दिन माता की पूजा अर्चना बड़े श्रद्धा भाव से की जाती है। नवरात्रि में देवी के सभी 9 रूपों की पूजा होती है, मगर अक्सर पहली बार व्रत रखने वाले ये जानना चाहते हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, जिससे व्रत के दौरान कोई गलती ना हो। तो चलिए आपको बताते हैं नवरात्रि के दौरान व्रत में क्या खाएं। सिंघाड़े और कुट्टू का आटा। सिंघाड़े और कुट्टू के आटे से आप व्रत में कई चीजें बना सकते हैं, जैसे कि पूरियां, पराठे, पकौड़े, कड़ी। इसके साथ दही और आलू की सब्जी भी खा सकते हैं। व्रत के चावल। जिनको चावल खाना बहुत पसंद है वो इन चावलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आम चावलों से थोड़े अलग जरूर होते हैं, लेकिन खाने में स्वादिष्ट होते हैं। आप इसमें पालक, आलू, टमाटर आदि डालकर पुलाव बना सकते हैं और उबले आलू और मूली मिलाकर टिक्की भी बना सकते हैं। आलू, टमाटर, घिया, पनीर। व्रत में आप इन सभी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्रत के मसाले। कई लोगों को इस बात का पता नहीं होता कि छोटी इलायची, अमचूर, काली मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, अनारदाना, जीरा और सेंधा नमक का व्रत के खाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी व्रत में इस्तेमाल किए जाने वाले मसाले हैं। आप व्रत में साबूदाना, मूंगफली और नारियल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मगर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें नवरात्रि में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में। प्याज लहसुन। व्रत का खाना बनाने के लिए प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अक्सर लोग घरों में नवरात्रों में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते। नॉनवेज, स्मोकिंग और अल्कोहल। व्रत में नॉनवेज फूड, अल्कोहल और स्मोकिंग का सख्त परहेज होता है, इसलिए खास तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि आप इन सभी चीजों को नजरअंदाज करें। गेहूं का आटा, दालें और मकई। व्रत में दाल, मकई और गेहूं आदि अनाज का सेवन नहीं किया जाता है। व्रत में आप केवल व्रत वाले सामग्री का ही सेवन कर सकते हैं। अब आप भी इस सब बात का ध्यान रखें कि इस नवरात्रि आपको क्या खाना है और क्या नहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो tangerine.com के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।